हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग मैटरनिटी पैड्स के बारे में बात करेंगे। मैटरनिटी पैड्स क्या होते हैं और कब यूज होते हैं? प्रेगनेंसी के बाद जब एक लेडी बेबी को डिलीवर करती है तो उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लीडिंग नॉर्मल पीरियड से काफ़ी ज़्यादा फ्लो में होती है और साथ ही साथ में इसका जो टाइम पीरियड है वो भी नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा लंबा होता है। ये जो ब्लीडिंग है लगभग 4 to 6 weeks या 1.25 महीना तक चलती है। शुरुआती 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक जो ब्लीडिंग की जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैटरनिटी पैड्स आफ्टर बेबी डिलीवर शुरुआती 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों के बीच में यूज़ किए जाते हैं, जिस दौरान ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है। उस दौरान नॉर्मल सैनिटरी पैड से काम नहीं चलता है, बल्कि हमें मैटरनिटी पैड का यूज़ करना पड़ता है। आइए अब हम लोग मैटरनिटी पैड्स के कुछ फीचर्स और उसके प्राइस वगैरह देख लेते हैं। ये जो आप पैक देख रहे हैं, ये न्यू मॉम का डिस्पोजल 4 मैटरनिटी पैड्स विथ 1 पैक्ड फिक्सेटर है। इट्स अ कॉम्बो पैक जिसमें कि 4 मैटरनिटी पैड्स और 1 पैड फिक्सेटर है। ये मुझे हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड किया गया था बेबी डिलीवरी के टाइम। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। कई और ब्रांड्स के मैटरनिटी पैड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये यूज़ किया है इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू बताना चाहती हूँ। जब ये मैटरनिटी पैड्स नहीं अवेलेबल थे तब रुई के बंडलों का यूज़ किया जाता था आफ्टर डिलीवरी शुरुआती दिनों में, बट अब ये मैटरनिटी पैड्स अवेलेबल हैं तो ये ज़्यादा इफ़िशियंट हैं, ज़्यादा हाइजीन के पर्पज़ से भी अच्छे हैं और साथ ही साथ में ये कंफर्टेबल भी रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सैनिटरी पैड्स होते हैं उसकी तुलना में ये काफ़ी लंबा और चौड़ा है। एक्चुअली जब हैवी फ्लो ब्लीडिंग होती है तब हमें इसी तरह के पैड की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल सैनिटरी पैड से काम नहीं चलता है। ये सॉफ्ट है और इसके पीछे की तरफ एक लंबा टेप लगा हुआ है। इस टेप को अलग करके हम इस साइड से हम इसे पैंटी या फिक्सेटर से चिपका सकते हैं, जैसे कि हम सैनिटरी पैड में करते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबा है इसलिए अच्छा है, ये अच्छे से चिपक जाएगा और हिलेगा डुलेगा नहीं पैंटी या फिर फिक्सेटर में। ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसके जो दोनों तरफ इलास्टिक जैसा भी लगा हुआ है, जिससे कि अगर हम हिलते डुलते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है और हमारा लीकेज वगैरह नहीं होती है। इसकी लेंथ और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी दी गई है। ये ऑडर लेस है, यानी कि जो बैड स्मेल ज़्यादा से ज़्यादा ये रोकता है। मुझे ये कॉम्बो पैक मिला हुआ था। ये न्यू मॉम मैटरनिटी पैड प्लस पैड फिक्सेटर का कॉम्बो पैक है, यानी कि इसमें कुल 4 पैड और 1 डिस्पोजेबल पैंटी या फिर पैड फिक्सेटर जिसे बोलते हैं वो दिया गया है। ये जो पैड फिक्सेटर है वो सॉफ्ट है, सीमलेस है और स्ट्रेचेबल है। इसका जो वेस्ट बैंड है वो भी स्ट्रेचेबल है, जिससे कि एब्डोमेन एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ये पैड को अच्छे से होल्ड कर लेता है और एक ही जगह पर रखता है। आइए अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता 850 ml है, जबकि ऑर्डिनरी पैड्स की जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो केवल 80 ml होती है। इसके सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर जो फ्लूड होता है उसको जेल में बदल देते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि उस एरिया को ये ड्राई रखता है, क्लीन रखता है और बैक्टीरिया फ्री भी रखता है।
ये सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और थिन है अगर हम कंपैरिजन करें जो एल्डर्स के डायपर आते हैं उनसे। तो इसकी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता इतनी ज़्यादा है, इस वजह से आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है। ये सुपर सॉफ्ट है जिससे कि आपको स्किन इरिटेशन या रैसेस पड़ने का डर भी नहीं रहता है। जो मेरे पास ये पैक है उसकी MRP है 175 रुपीज़, बट आजकल मैं देख रही हूँ कि ये कॉम्बो पैक अवेलेबल नहीं है मार्केट में ज़्यादा। जनरली ऑनलाइन तो ये अवेलेबल नहीं है, ये कॉम्बो पैक ये अलग अलग पैक में अवेलेबल है, तो आप अलग अलग पैक में भी खरीद सकते हैं। यानी कि एक पैक में 5 पैड आपको मिलेंगे और एक पैक में आपको 5 फिक्सेटर मिलेंगे। इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।